मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर्यावरण संरक्षण को लेकर काफी गंभीर हैं और यही वजह है कि प्रदेश में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पर्यावरण संरक्षण और अक्षय ऊर्जा के उपयोग को प्राथमिकता देते हुए जल जीवन मिशन को सौर ऊर्जा से संचालित करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है। इस पहल ने न केवल ऊर्जा खपत में कमी लाई है बल्कि पर्यावरणीय सुधार और सरकारी संसाधनों की बचत भी सुनिश्चित की है। इससे जहां एक ओर प्रतिवर्ष लगभग 13 लाख मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम होगा तो वहीं पारंपरिक बिजली आपूर्ति में हो रहे खर्चे में भी कमी आएगी। इससे सरकारी खजाने में भी बढ़ोतरी होगी। वहीं बता दें कि सीएम योगी ने हाल ही में जल जीवन मिशन को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में अधिकारियों को ये बताया कि वर्तमान में प्रदेश में जल जीवन मिशन की कुल 40,951 योजनाएं संचालित हैं, जिनमें से सौर ऊर्जा आधारित भूजल की 33,229 योजनाएं शामिल हैं। योगी सरकार द्वारा जल जीवन मिशन की 33,229 योजनाओं को संचालित होने से प्रदेश सरकार को योजना काल में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी।